हेलो गाइस, मैं हूं सारस मोहम्मद वकास रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल हाउ भगवत गीता इंस्पायर्ड द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ये किस तरह का टाइटल, गौरव ठाकुर, भगवत गीता यार इनकी बुक का ना, जिस तरह हमारी होली बुक का कुरान पाक इनकी बुक हिंदुओं की। तो जो हाथ था ना रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम बनाया था, उसने इससे इंस्पायर होकर बनाया था। देखते हैं वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, इसलिए तो मैंने सेलेक्ट की ताकि नॉलेज भी मिले। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। Now I am become death, the destroyer of worlds. भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32। कालोक्ष्मी लोकक्षायक ऋत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमीह प्रवृत्ता रितेपि त्वम न भविष्यन्ति सर्वेय वशिष्ठा प्रत्यानेक्षु योद्धा। अर्थात मैं मृत्यु हूँ और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूँ। इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस देने वाले शख्स है अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, नन अदर देन द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन आखिर उन्होंने भगवत गीता के इस स्पेसिफिक श्लोक का रेफरेंस क्यों दिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्हें भगवत गीता के बारे में इतना कैसे पता और कैसे श्लोक ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया, चलिए देखते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर में हुआ था। बचपन से ही रॉबर्ट बहुत ही वर्सेटाइल और सभी चीजों को लेकर काफी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु थे। अब उनके हद से ज्यादा क्यूरियस होने का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो उन्होंने अपने थर्ड और फोर्थ दोनों कक्षाओं की स्टडी एक ही साल में पूरी कर ली थी, और यहां तक कि 8th स्टैंडर्ड भी उन्होंने बस आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया था। यहां तक कि 12 साल की उम्र में ही वो न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में एज अ लेक्चरर चुने गए थे। लेक्चर बनने के बाद उनके लिए किताबें ही मानो उनकी दुनिया बन चुकी थी। सुबह शाम वो उन्हें पढ़ते रहते थे और ज्ञान ग्रहण करते रहते थे। इसके पीछे एक और एक वजह भी थी कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट दूसरे बच्चे उन्हें काफी बुली किया करते थे। वेल यू सी, बचपन में रॉबर्ट अपने बाल लंबे रखा करते थे, उनके चलने बोलने का तरीका बाकी लड़कों से काफी अलग था, और साथ ही वो इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि या तो वो एकदम छोटी सी बात पर शर्मा जाते थे, या तो उन्हें कुछ बुरा भला अगर किसी ने कह दिया वो तुरंत रो देते थे। और उनके इसी सेंसिटिव बिहेवियर की वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें क्यूटी क्यूटी बुलाकर उन्हें बुली किया करते थे। अब मे बी सुनने में आपको ये बात साधारण सी लगेगी, यू नो जैसे हर कोई बच्चे को चिढ़ाया जाता है कभी ना कभी, ये चीज काफी दर्दनाक एक्सपीरियंस था और इन चीजों की वजह से उनका स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया था। अब इस टॉर्चर की सभी हदें तो तब पार हो गई जब 14 साल की उम्र में एक समर कैंप के दौरान रॉबर्ट के फ्रेंड्स ने उनके सारे कपड़े निकालकर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हरा रंग लगाकर उन्हें पूरे रात के लिए आइस हाउस की कड़कड़ाती ठंड में बंद कर दिया था। अब ऐसे में कोई भी ऑर्डिनरी इंसान तो दूसरे दिन शर्मिंदगी के मारे कैंप छोड़कर घर चले जाता, लेकिन रॉबर्ट उनमें से नहीं थे। बुलीज की कंप्लेन करने के बजाय उन्होंने अपने घर पे जब लेटर भेजा तो उन्होंने ये लिख के भेजा कि वो तो यहाँ पर बहुत खुश है और उनके क्लासमेट्स उन्हें रोज लाइफ को लेकर एक नया सीख दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना मैच्योर वो बंदा एक कम उम्र से था। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि वी मस्ट एम्ब्रेस पेन एंड बर्न इट एज फ्यूल फॉर आवर जर्नी, और ऐसा ही कुछ हुआ। इन इंसिडेंट्स के बाद इनकी लाइफ की जर्नी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसके बाद वो कभी रुके नहीं। सितंबर 1922 में रॉबर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, और अगले 3 साल में फिलोसफी, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी कैलकुलस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कई सारे कोर्सेस पढ़कर खत्म भी कर दिए। पर इतना सब कुछ सीखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो अभी तक कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इसी इनकम्प्लीटनेस को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड रेनाउंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते ही वो अपने रिसर्च पेपर के साथ सीधा जा पहुंचे द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। लेकिन फिजिक्स में रॉबर्ट की इन कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने रॉबर्ट को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए मन ना होते हुए भी रॉबर्ट को जे.जे. थॉम्सन के साथ काम करना पड़ा। वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
और होंगे भी कैसे, क्योंकि जे जे थॉम्सन लेबोरेटरी में उनका काम था इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए बेरिलियम की थिन फिल्म को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना, पर उनका मेन इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को स्टडी करना, ना कि उनके वजह से हो रहे वेव्स और इवेंट्स को ऑब्जर्व करना। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ने अपना काम बखूबी किया और एंड में इलेक्ट्रॉन वेव्स को समझते समझते उनका क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक इंटरेस्ट आने लग गया, और ऐसे ही अपने वर्सेटाइल नेचर की मदद से उन्होंने बाकी के कई फील्ड्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब ये वो कैसे कर पाया? वेल, बिकॉज उन्होंने हमेशा वही किया जो उनका काम था, भले ही वो परफेक्ट नहीं थे, बट ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट ही वाज एस्क्ड टू डू। और अगर हम इस चीज को भगवद गीता में देखें तो चैप्टर 18 वर्स 47 ये कहता है, श्रेयान स्वधर्म विगुन्ना परधर्म स्वानुष्ठितात् स्वभावा नियताम कर्म कुर्वन नाप्नोति किभिषाम अर्थात। इसका मीनिंग ये है, इट इज बेटर टू डू वन्स ओन धर्मा इवन दो इम्परफेक्टली देन टू डू अनदर्स धर्मा इवन दो परफेक्टली। बाय डूइंग वन्स इननेट ड्यूटीज अ पर्सन डज नॉट इनकर सिन। और इसी वजह से जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ब्लैक होल्स के अराउंड आए और जब उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, उस दौरान आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी बार-बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उसे यूज करके उन्होंने ये साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो विद दिस फ्रेंड्स, हां, मैं ये तो कह सकता हूं कि रॉबर्ट पर भगवत गीता का बहुत ही अच्छा इंपैक्ट था, और भगवत गीता हमें इसके अलावा जिंदगी की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाती है, जैसे कि अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे लाया जाए या फिर कर्म का महत्व क्या होता है, ये सब। और आप ये सब कुछ सीख सकते हो काल गीता इस ऑडियो बुक को सुनकर, जो सिर्फ अवेलेबल है कुकू FM ऐप पर। अब आप सभी को तो पता ही है, कुकू FM और गेट सेट फ्लाई का एक ही मिशन है, टू स्प्रेड नॉलेज ऑल ओवर इंडिया। और फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली लगता है आपको शुरुआत उनके कोर्सेज सेक्शन की सेल्फ हेल्प किताबों से करनी चाहिए, जैसे 21 डेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाउ टू फोकस एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड लास्टली प्लानिंग अ सक्सेसफुल डे। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे GS50 तो आपको सीधा फ्लैट 50% ऑफ यानी कि 199 में इसके सालाने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी जाओ डाउनलोड करो कुकू FM ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने ब्लैक होल्स पर भी स्टडी करना शुरू किया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी, जो कि कई बार रिजेक्ट हुई थी, उसी थियरी को यूज करके उन्होंने ये साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनके इसी रिसर्च ने सभी साइंटिस्टों को यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया दे दिया। अब इतने कम उम्र में मिल रहे सक्सेस को देखकर सभी को ऐसे ही लग रहा था कि चीजें एकदम अच्छी चल रही है, लेकिन एज वी ऑल नो, ऐसा अक्सर होता है कि ऊपर ऊपर से दिखने वाली अच्छी चीजें असल में कुछ और ही होती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने लगा। बचपन का ट्रॉमा, सबसे बड़े फिजिसिस्ट से मिला रिजेक्शन और मनचाहा काम न कर पाना, इन सभी चीजों ने रॉबर्ट को मेंटली अब इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि रॉबर्ट के प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका असर दिखने लग गया था। एक दिन जब वो एक लेक्चर ले रहे थे, तब अचानक से वो लेक्चर छोड़कर बस ब्लैक बोर्ड को ऐसे घूरने लग गए और बार बार बस एक ही बात को दोहरा रहे थे। द पॉइंट इज। पर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उनके इस बर्ताव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ता गया कि उन्होंने अपने दोस्त तक को मारने की कोशिश की। दरअसल उनके करीबी दोस्त फर्ग्यूसन ने यह ऑब्जर्व किया कि रॉबर्ट को कुछ भी जबी भी बोला जाता था तो या तो वो बहुत ही दुखी हो जाते थे या तो एग्रेसिव हो जाते थे, और इसीलिए फर्ग्यूसन ने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक गुड न्यूज दिया जाए, शायद ये न्यूज सुनकर वो खुश हो जाएंगे। और इसीलिए फर्ग्यूसन ने ये चीज जाहिर की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर खुश होने के बजाय रॉबर्ट ने फर्ग्यूसन का गला दबोच लिया। अब उस समय फर्ग्यूसन ने जैसे तैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो समझ गए कि रॉबर्ट के साथ कुछ डेफिनेटली बहुत ही बुरा हो रहा है, और इस वजह से उन्होंने अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ वक्त बीतने के बाद ये पता चला कि रॉबर्ट के इस इंपल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के पीछे का मेन रीजन था डिमेंशिया प्रेकॉक्स। दरअसल ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें किसी इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू के लोग उसकी जान के दुश्मन हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। सो बेसिकली द पेशेंट फील्स वेरी इनसिक्योर। मगर इस कंडीशन के होने के बाद भी आप इमेजिन कर सकते हो कितना डर में जी रहे थे, स्टिल वो अपने वर्क पर इस चीज का कोई भी असर नहीं होने देते थे। इनफैक्ट उन्होंने डिप्रेशन में ही हाइजेनबर्ग, यूजीन विग्नर, वुल्फगैंग पॉली और एनरिको फर्मी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम किया था और काम कर भी रहे थे। इनफैक्ट इसी दौरान उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स हासिल किया, जो था उनका ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। बेसिकली इस प्रोसेस में ड्यूट्रॉन्स को टारगेटेड एटम्स के न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड किया जाता है
और जैसे ये न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन को बाहर रिजेक्ट कर देते हैं और टारगेट न्यूक्लियस एक हेवियर आइसोटोप में तब्दील हो जाता है। रॉबर्ट के इस डिस्कवरी ने न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया। लेकिन इवेंचुअली रॉबर्ट को ये सभी चीजें काफी आसान लगने लगी थी और वो इस सब से बोर होने लग गए थे और इसीलिए खुद को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना साइंस के एकदम विपरीत चीजों को पढ़ा जाए और इसीलिए उन्होंने मिस्टिकल और क्रिप्टिकल चीजों की दुनिया में एंटर किया। तब उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वाइड और डीप मिथोलॉजी हिंदू मिथोलॉजी है और इसीलिए हिंदू टेक्स्ट को समझने के लिए 1933 में उन्होंने बर्कली में संस्कृत सीखना तक शुरू कर दिया। उस दौरान उनके संस्कृत प्रोफेसर और इंडोलॉजिस्ट आर्थर डब्ल्यू राइडर ने रॉबर्ट को भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी और उनकी इसी सलाह ने आने वाले दिनों में रॉबर्ट को एक नई पहचान दी। रॉबर्ट को न्यूक्लियर फील्ड में मिल रहे सक्सेस और उनकी नई पर्सनालिटी को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने वर्ल्ड वॉर टू के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए रॉबर्ट को खास तौर पर चुना। ग्रोव्स को पता था कि रॉबर्ट अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट और एम्बिशियस है और रॉबर्ट जनरल ग्रोव्स के इस विश्वास पर खरे भी उतरे। ओपेनहाइमर ने अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा बॉम्ब बनाया जो मुंबई जैसे तीन शहरों को आज के तारीख में भी चुटकियों में खत्म कर सकता था। इनके इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इन्हें नाम दे दिया गया द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल्सो द इन्वेंटर हु चेंज्ड द वर्ल्ड। अब बॉम्ब तो तैयार हो गया था, वक्त था उसके टेस्टिंग का। 16th July 1945 न्यू मेक्सिको USA 5:45 AM दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इसमें 11 किलोमीटर ऊंचा यानी 8 बुर्ज खलीफाओं जितना लंबा मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ था जिसमें से 21 किलोटन्स TNT जितनी एनर्जी रिलीज हुई। इट वॉज एंड ऑफ एन ओल्ड एरा एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। इस पूरे दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर को भगवद गीता का एक श्लोक याद आया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपाद उचितल यादि भसदृशी ससी अदभाषास्तस्य महत्मना। अर्थात आकाश में अगर हजार सूरज एक साथ फट जाए तब जितनी रोशनी दिखाई देगी बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। अब टेस्टिंग तो सक्सेसफुली हो गई थी, बारी थी इसे जंग में यूज करने की। 6th August 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया और उसके तीन दिन बाद 9th अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम के दूसरे बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया। इस हमले ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली और इससे हुए तबाही ने वर्ल्ड वॉर टू का अंत ला दिया। इस तबाही के मंजर को देखते हुए रॉबर्ट को गीता का एक और एक श्लोक याद आया, कालोश्मि लोकक्षाय अकृत प्रवृद्धो लोकन श्यामा हर तुमी हर प्रवृत्ता। ट्रांसलेटेड एज दिस, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। लेकिन उनके बोले श्लोक को सबसे पहले लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। उन्हें ऐसा लगा कि रॉबर्ट खुद के बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी जो कि कई साल बाद उनके द्वारा दी गई एक इंटरव्यू में सबके सामने आई। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुल के बताया कि US गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात ओपेनहाइमर के सामने रखी थी सबसे पहले, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से होने वाले नुकसान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब US गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो जापानीज हम पर पक्का हमला कर देंगे, इस लाइन को सुनते ही उन्हें भगवत गीता का वो श्लोक याद आ गया जिसमें अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग लड़ने से मना कर दिया था। तब कृष्ण ने उसे एक ही बात बताई थी कि उसकी मर्जी ना होते हुए भी उसे ये जंग को लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका असली धर्म है और दुनिया में किसे कब खत्म करना है ये पूरी तरीके से भगवान के हाथ में है, ना कि अर्जुन के हाथ में। और अगर अर्जुन ने ऐसा नहीं भी किया तो वो खुद उन्हें आराम से खत्म कर देंगे क्योंकि भगवान विष्णु अगर दुनिया को जन्म दे सकते हैं तो वो उसे खत्म भी कर सकते हैं। यानी कि लॉर्ड विष्णु कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. वो तो अभी भी इस पछतावे में है कि उनके हाथों में कई सारे मासूम लोगों का खून लगा हुआ है, पर क्या उनका पछताना जायज है क्योंकि उनके बनाए एटम बॉम्ब्स ने ही वर्ल्ड वॉर टू को रोक दिया था। अगर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाया होता तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू में आगे जाके उससे कई ज्यादा लोगों की जाने जाती और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता। अब फ्रेंड्स, न्यूक्लियर बॉम्ब के बनने में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। अगर आप उनके जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या आप अपना धर्म निभाते या फिर आप अपने धर्म निभाने से इनकार कर देते और आप कहते कि नहीं भाई ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो सकता है? वेल, यहां पर दो विचारधाराएं आ जाती है जो आपस में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है।
तो आप उनके जगह पर होते तो आप क्या स्टैंड लेते, नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में सीखने मिला या फिर भगवद गीता के बारे में सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले काल गीता ये बुक को कुकु एफएम पे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। यूज माय कूपन कोड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज टेक यू। यार पहली बात तो कमेंट हम क्या करेंगे, पहली बात तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो लफ्ज में नहीं बयान किया जा सकता, यकीन करें, बिलीव मी, मेरे पास वो अल्फाज नहीं। मैं तो इतना मगन हो गया था वीडियो में कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ख़त्म ही ना हो, ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए थे। जिस तरीके से वो बता रहे थे गौरव ठाकर साहब, अच्छे यार इनके ट्यूटर्स हैं, अच्छे इनके यूट्यूबर्स हैं, बड़े पायदार। अच्छा अब बाद में तुम बातें ऐसी कुछ करते हैं जो अकलमंद दिमाग है या अकलमंद इंसान है वो ऐसी ऐसी बातें करता है, हमें तो वो नॉर्मल लगते हैं। लेकिन वो जिस तरह मिसाल ले लें, जो हमारे औलिया कराम या नबी हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जिस तरह वो बातें करते हैं, वो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि वो अपनी बात कभी भी नहीं करते, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कभी भी उन्होंने अपनी बात नहीं की, मतलब कि उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं बोला, जो बोला अल्लाह की ज़ात ने जो बुलवाया वही था। बाज़ बात इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, मतलब कि नबी, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बाज़ बात ये जो चीज़ें हम बड़े लोग होते हैं सेलेब्रिटी या जो पढ़े लिखे दिमाग होते हैं, जब वो बातें करते हैं तो वो उनकी बातों में गौर किया करें। अब देखने में तो इस तरह लग रहा था कि वो अपने लिए बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो भगवत गीता का ही कोई, मतलब कि उसको हम आयत बोलते हैं, वो क्या श्रोत या इस तरह का लफ्ज़ बता रहे थे गौरव ठाकुर, वो पढ़ रहे थे और टोटली इंस्पायर्ड थे, मतलब कि जब वो दुनिया से, या समझ लें कि जब वो इस दुनिया से समझ लें कि उतार चुके थे ना, तब उसका जो संभाला दिया, उसको एक अच्छी बुक मिल गई, उस बुक से भगवत गीता से उसने सीखा कि इंसानियत क्या है और इंसान क्या है और मज़हब क्या है और इसकी बाउंड्रीज़ क्या है। उसके बाद उसने हिम्मत नहीं आ रही, आस्ता आस्ता वो यार शुरुआत देखो ना रुखसार भाई, उनके शुरुआत देखो कहाँ से हुई और कितनी मुश्किलें हुई और फिर भी वो जो है ना लगा रहा है घर वालों को बोल रहा है जो मैं खुश हूँ, उनको मुश्किलें हैं। यार ये कमाल का लोग था यार, पूरी वीडियो का लबाब ये था कि वो हिम्मत हार चुका था तकरीबन, जब उसको भगवत गीता उसने पढ़ी, बुक ये पढ़ी। एक सहारा मिला, उसको सहारा मिला, जिंदगी गुजारने का तरीका मिल गया, उसके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी। जी रमलो क्या कहें, बड़ी बड़ी शख्सियात अगर आप उनका बैकग्राउंड लेवल चेक करेंगे ना, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो नीचे से ऊपर गए, उन्होंने बड़े बड़े जो है ना मेहनत की है, बड़े बड़े गोल अचीव किए, जो हम आम एक बंदा जो है वो कर क्या सोच भी नहीं सकता, सोचने में इतनी मुश्किल महसूस होती है यार मैं कैसे करूंगा ये, तो वो करते हैं तो वो आगे भी जाते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जिस तरह वो अर्जुन को बताया था विशु, जो उनके जो बड़े भगवान थे उसने, जिसने दुनिया बनाई थी, कि जब उसने तलवार फेंक दी अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से, तो उनको आकर बताया उनके जो बड़े गॉड हैं, जो बड़े जो भगवान हैं, कि आप अगर ये नहीं लड़ेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा। इस ये सिचुएशन थी इसके सामने, को ओपन हैमर के सामने, रॉबर्ट ओपन हैमर, कि अगर फर्ज कर लें, मैं मानता हूँ कि उसने बम बनाया, वो उसको इसका पछतावा भी रहा होगा और वो इस पछतावे में मरा होगा, लेकिन लोगों के आप लेकिन एक और बात ना वकास भाई, मिसाल ले लें कि ये बम एटम बम ना बनता, ना गिरा जाता, एटम बम में मिसाल 100,000 बंदा मरा होगा, तो अगर ये जंग चली रहती जिस तरह ये जापान नहीं मार रहा था, जर्मनी नहीं मार रहा था, मतलब जर्मनी तकरीबन मतलब हार चुका था, जापान नहीं मार रहा था, जापान कब्जा किया जा रहा था, मारता जा रहा था लोगों, तो सोचे हो सकता इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, ये भी हो सकता है रुखसार भाई आपके बात बिल्कुल मान, ये भी एक पल हो सकता ना कि फर्क 100,000 लोगों के हाथ धोने से बाद जित कम से कम बाकी जो करोड़ों में या अरबों में उस वक्त आबादी थी, करोड़ों में अरबों में, वो तो बच गई। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती तो पूरी दुनिया भूख और फ्लास में होती है। चलो उस वक्त तो एक सिर्फ जापान का नुकसान हुआ, जापान का नुकसान होने से वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गया, अगर फर्ज कर लें वो ना होता तो और कितने साल ये चलती वार, ये भी दूसरा पहलू है ना,
यार ये जंग जो है ना, मैं कहता हूँ ये कोई मसले का हल नहीं होता। देखो किसी ने जिसने तैयार किया ठीक है ना, वो भी पछता रहा है, पछता रहा है मैंने नहीं बनाना था, अब बन गया तो वो उनकी कॉपी लोग कर रहे हैं आगे से आगे। मतलब ये बात ये मेन ये थी कि वो मायूस हो चुका था, वो इस फील्ड में आने नहीं चाहता था, वो जिंदगी को समझ लें कह रहे बस ठीक से गुजरी गुजरी। उसको बुक मिली, उसको एक असूल मिले, उसको जिंदगी गुजारने का पता चला भगवद गीता, उसने फिर अपनी हिम्मत बांधी और दोबारा फिर मतलब डटा रहा काम पर, डटा रहा। यार कि स्ट्रगल यार मैं उनकी देखता हूँ जब वो स्टूडेंट लाइफ में आया, उनके जो उनके ऊपर मुश्किलें आई हैं वो उसने यानी कि ना हो जाता ना इंसान के डगमगा, लेकिन उसमें टफ से मस नहीं हुआ। लेकिन एक स्टेज आई जहाँ पे वो बिल्कुल उनकी हिम्मत हार गई थी। मैं तो हैरान हूँ, कह रहे थे कि 12 साल की उम्र वो लेक्चरर लग गया था, मैं हैरान सिर्फ 12 साल की उम्र यार, ऊपर वाले का कमाल है ना, जेन दिया है ऊपर वाले ने। हाँ सही है, तो मैं कहते वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक वीडियो जाता है।